मम्मी ये कॉल आ रही है, मैं घर जा रहा हूँ। काजिम, मोहित का कत्ल तुमने किया? कुछ नहीं किया मैंने, समझी तुम? कुछ नहीं जानता मैं इस बारे में। काजिम, काजिम, what a show, what a presentation. 18.9 beautiful. देखो तो खुदा की पनाह, हम इस लड़के को क्या समझते थे और ये क्या निकला, आस्तीन का सांप। अब वो जो औरत है जो हमारे बेटे पे इल्जाम लगा रही है, आप पे इल्जाम लगा रही है कि आपने मारा, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि काजिम इस कदर गिर सकता है। शुक्र है हकीकत सामने आ गई और सोफिया की आंखें भी खुल जाएंगी, और ये जो हाजरा नामी बला है ना, ये भी हमारे सर से टलेगी। अच्छा सुने, मैंने सुबह पीर साहब के पास जाना है, ये सब पीर साहब की दुआओं और अमल का नतीजा है। उन्होंने रात रात भर बैठ के हमारे लिए दुआएं की है, और उन्होंने तो मुझे पहले ही कह दिया था कि सब खत्म हो जाएगा। अच्छा सुने, आशीर से तो बात कराए, सोफिया को तो मैं खुद ही फोन कर दूंगी। ए, खबरदार, जो सोफिया को फोन किया उसको कोई बात बताई तो नई स्टोरी ने सुना देना उसको। अरे पहले ही मुसीबत खड़ी हुई है, नई मुसीबत खड़ी करेगी मेरे लिए तू। सोफिया समझेगी आशीर ने काजिम से मर्डर करवाया है। ये तो मेरे दिमाग ने सोचा ही नहीं, वाकई वो तो बेवकूफ यही समझेगी। अच्छा अच्छा है, अभी कुछ नहीं कहती मैं उसको, पकड़े जाने तो काजिम को, फिर दूध का दूध और पानी का पानी सब सामने आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया पापा, मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ वो नंबर प्लेट मेरी ही गाड़ी का है, लेकिन कोई नंबर प्लेट को मिसयूज भी तो कर सकता है। बकवास बंद करो और जो सच है वो बताओ, बोलो, ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। क्या तुम आशिर के साथ थे? नहीं मॉम, मैं आशिर के साथ नहीं था। हाँ लेकिन उसने मेरी गाड़ी बोरो की थी मुझसे। आशिर के बाप को ये सब पता है? बताओ, सब पता उसको? उन्हें सब पता है। आशिर का नंबर मिलाओ और बात करो उससे। पापा मैं उसे कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो मेरी कॉल नहीं ले रहा। फिर उसके बाप का नंबर मिलाओ और बात करो मेरी। तुमने अपने साथ साथ हमारा मुंह भी काला करवा दिया, किस मुंह से हम सोसाइटी का सामना करेंगे? अब जाकर मिस्टर रईस से बोलो कि तुम्हें बचाएं, जिस तरह उन्होंने अपने बेटे को न्यूयॉर्क में बिठाया हुआ है, तुम्हारे लिए भी कुछ करें। मां मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कि आशिर ने किया, मुझे तो पता भी नहीं है कि हो क्या रहा है। काजिम, काजिम कहां जा रहे हो? जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दरअसल कॉल पे कॉल आई जा रही है और इस इंडस्ट्री में तो लगता है कि जैसे शो ने धमाकेदार खबरें दी हैं, शो ने कि पूरी मीडिया में आग लग गई है। सही कह रही हो शायना, क्योंकि तुम्हारे शो के दौरान ही दीगर चैनल्स वालों ने तुम्हारी टिकर चलाना शुरू कर दिया था शो के बारे में। ये तो कुछ भी नहीं है, कल का शो देखना इतना बम्बास्टिक होगा ना कि बस। मोहित की अम्मी का फोन आ रहा है, उन्होंने भी शो देखा होगा। मस्ट हैव बीन अ वेरी इमोशनल प्रोग्राम फॉर हर। हेलो, हाँ हेलो जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम्हारा ही शो देख रही थी। जी वो मुझे अंदाजा था। मोहित को आखिरी कॉल किसकी आई थी? शायना मैं कुछ पूछ रही हूँ, मोहित को आखिरी कॉल किसकी आई थी? देखिए वो रिकॉर्डिंग जो है वो मुझे मिल जाएगी, आजाद किसी वक्त तक तो आ ही जाएगी। और
ये बात मुझे जरूर पता है कि आखिरी कॉल जो मोहित को आई थी वो सोफिया के फोन से ही आई थी। लेकिन ये बात आप किसी को बता नहीं सकती। अब मैं आपसे कल बात करूंगी अपने शो के बाद या शो से पहले। इस वक्त मैं घर जा रही हूँ, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, मैं आपसे कल बात करती हूँ। शायना, तुमने झूठ क्यों बोला उनसे? मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दफा कल बस ये शो हो जाए ना, तो मैं उनसे डिटेल में बात करूंगी, उनको सब बता दूंगी। लेकिन अभी मैं दो रातों में सोई नहीं हूं। I need to sleep, I need to rest. Bye. Take care. हाँ सुनो, खत्म कर दो इसे। इसके अलावा इस मसले का कोई हल नहीं है। मैं जो कह रहा हूं वो करो ना, खत्म कर दो इसको, फसाद की जड़ ही काट दो। राएगा कैसे करूं, अपना ही लहू जिसके हर कतरे में बसता है तू। और ये बात मुझे जरूर पता है कि आखिरी कॉल जो मोहित को आई थी वो सोफिया के फोन से ही आई थी। अरे वाह, माशाल्लाह। अच्छा लग रहा हूँ क्या? बहुत अच्छे लग रहे हो सत्य भाई। एक बार रुको, मैं तुम्हारी नजर उतार दूं। अरे कहाँ जा रही है अम्मी, छोड़े ना अपने टोटके पुराने। अरे नजर तो उतार अम्मी। रुके, मुझे कुछ आपसे चाहिए। क्या चाहिए मेरी जान? पैसे चाहिए? पर्स में से निकाल लो। नहीं नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। क्या मेरी जान? अम्मी मुझे वो घड़ी चाहिए। आखिरी कॉल सोफिया की कैसे हो सकती है? क्या सोफिया के साथ कहीं और चला गया था ये?